है डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू final पार्ट ऑफ अ चैप्टर one दैट इज इंट्रोडक्शन टू advertising आई होप अब तक हमने जितने भी questions को सॉल्व किया है एडवर्टाइजिंग में काफ़ी हद तक हमने advertising का मीनिंग अच्छे से समझ लिया है इसी के साथ साथ कितने सारे एक्टिव participants होते हैं जो भी इन्वॉल्वमेंट होता है हमने सब कुछ एकदम क्लियरली स्टडी कर लिया है ठीक है अब जो लास्ट हमारा पार्ट है आज का उसके अंदर लास्ट के दो questions है क्वेश्चन नंबर नाइन एंड क्वेश्चन नंबर टेन हम solve करेंगे तो इसके अंदर डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से एडवर्टाइजिंग जो है काफी सारी चीजें हैं जिसके बेसिस पर एडवर्टाइजिंग को हमने डिवाइड किया है जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट चाहे जोग्राफिक एरिया के बेसिस पर हो ऑडियंस के बेसिस पर हो फंक्शंस के बेसिस पर हो मीडिया के बेसिस पर हो हमने एडवर्टाइजिंग को अलग अलग तरीके से क्या किया है डिवाइड किया है और डिटेल में उसके बारे में आज हम आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे तो बिना वक्त किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन जो कि है एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिक एरिया एंड ऑडियंस तो जोग्राफिक एरिया और ऑडियंस के बेसिस पर हमने कैसे एडवर्टाइजिंग को डिवाइड किया है हम पढ़ेंगे अच्छा एग्जाम में एक तरीका ये भी है अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो अच्छा होगा बेहतर होगा कि आप इस तरीके से डायग्राम बनाएं क्योंकि जब आप डायग्राम बनाते हैं तो थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव भी हो जाता है आपका आंसर और आपको इमीजिएटली क्विकली जब आपको पॉइंट्स नोट डाउन करने होते हैं तो इस तरीके से डायग्राम बना के आप पहले नोट डाउन कर सकते हो और बाद में उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे लिख सकते हो अब एडवर्टाइजिंग जो है उसको कई तरीके से डिवाइड या क्लासिफाई किया जा सकता है तो हमें क्वेश्चन पूछा है सिर्फ एरिया और ऑडियंस के बेसिस पर तो हमसे उसी का आंसर जो है वो देंगे ओके सो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड ऑडियंस हमको बताना है कि एडवर्टाइजिंग हमने कैसे क्लासिफाई किया है तो सबसे पहले इस डायग्राम में हम देखेंगे एरिया के बेसिस पर लोकल रीजनल नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हम एडवर्टाइजिंग करते हैं ऑडियंस के बेसिस पर हम देखें तो कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग होता है इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग होता है ट्रेड एडवर्टाइजिंग होता है और प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग होता है अब एग्जैक्टली exactly क्या है ये हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर हम जो है वो ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर पढ़ेंगे पहला आता है हमारा लोकल एडवर्टाइजिंग लोकल एडवर्टाइजिंग क्या होता है दिस इज आल्सो नोन एज रिटेल एडवर्टाइजिंग रिटेल एडवर्टाइजिंग क्यों बुलाया जाता है इसको बिकॉज इट इज़ अंडरटेकन मोस्टली बाय रिटेलर्स इन अ लोकल एरिया रिटेलर्स जो होते हैं अपने ही लोकल एरिया में इसका एडवर्टाइजिंग जो है वो कर रहे हैं कहाँ पर हो सकता है एक गांव में हो सकता है विलेज में हो सकता है टाउन में हो सकता है या सिटी में हो सकता है या फिर कोई स्मॉल लोकल एरिया में भी ये एडवर्टाइजमेंट होता है द रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड इज बाई एट माई स्टोर रिस्पॉन्स क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी दुकान से खरीदिए अब ये जो मीडिया यहाँ पर यूज़ होता है लोकल एरिया है ना तो लोकेलेटी में आप क्या ही ज़्यादा बड़ा एडवर्टाइज़मेंट करेंगे तो यहाँ पर जो मीडिया हम यूज़ करते हैं हम न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं केबल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं नियॉन साइंस का इस्तेमाल किया जा सकता है पोस्टर्स है बिल है लोकल सिनेमा है बस यही तक सीमित होता है हमारा लोकल एडवर्टाइजिंग यहाँ पर आपको नाम आपका गुडविल आपका रेपूटेशन बिल्ड करने में जो है वो आपको लोकल एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है एंड ब्रिंग इन मोर सेल्स फ्रॉम दी लोकल बायर्स और ज़्यादा से लोकेलिटी में रहने वाले जो लोग हैं बस वही से आपका सेल्स जो है वो बढ़ता है सम इंस्टेंसेज ऑफ लोकल इंक्लूड्स जैसे कि ग्रॉसरी स्टोर्स हो गए आपके लोकल एरियाज में फर्नीचर शॉप्स हो गए इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हो गए तो ये सारे लोग क्या करते हैं लोकल एडवर्टाइजिंग करते हैं अब इसके बाद आता है हमारा रीजनल एडवर्टाइजिंग रीजनल एडवर्टाइजिंग एक ऐसा एडवर्टाइजिंग है जो कि स्पेसिफिक रीजन में होता है जैसे कि वेस्टर्न रीजन में हो गया सदर्न रीजन में हो गया नॉर्दर्न रीजन में हो गया बस एक स्पेसिफिक रीजन में ही परफॉर्म किया जाता है नॉ देर आर सर्टन मार्केटर्स हुट्रेट द मार्केटिंग एफर्ट इन पर्टिकुलर रीजन ऐसे कई सारे मार्केटर्स है जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही मार्केटिंग करते हैं सच एज सच दे कॉन्सेंट्रेट द एडवर्टाइजिंग एफर्ट इन सच रीजन अब यहां पर कौन से माध्यम का मीडिया का इस्तेमाल होता है वो है टेलीविजन का इस्तेमाल होता है रेडियो नेटवर्क्स का इस्तेमाल होता है रीजनल मैगजीन हो गया या रीजनल न्यूज़पेपर हो गया जो उसी रीजन को बिलोंग करता है फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र टाइम्स महाराष्ट्र में चलता है गुजरात टाइम्स गुजरात में चलता है तो स्पेसिफिक उसी रीजन में चलने वाले लो, लोकल न्यूज़पेपर का रीजनल न्यूज़पेपर का हमने इस्तेमाल किया एंड ऑल्सो आउटडोर मीडिया इन अ पर्टिकुलर रीजन और उस पर्टिकुलर रीजन के आउटडोर वहाँ पर आउटडोर मीडिया का भी इस्तेमाल होता है यह है हमारा रीजनल एडवर्टाइजिंग जो स्पेसिफिकली एक रीजन को बिलोंग करता है अब हम बात करेंगे नेशनल एडवर्टाइजिंग की अब ये एक ऐसा एडवर्टाइजिंग है जो कि मार्केटर्स करते हैं हु सेल द प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द नेशन यानी ये जो प्रोडक्ट है वो पूरे नेशन में बिकने वाले हैं ना एक लोकल एरिया में बिकेंगे ना स्पेसिफ़िक रीजन में बिकेंगे ये पूरे के पूरे हमारे कंट्री के अंदर बिकने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स जैसे कि कोलगेट पामोलिव हो गया एच हो गया गोदरेज पी यहाँ पर रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया जाता है बाय माई ब्रांड यानी मेरे ब्रांड को खरीदो एडवर्टाइजमेंट आर इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अब यहां पर जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं एडवर्टाइजमेंट करते हैं मीडिया यूज इंक्लूड नेशनल नेटवर्क ऑफ टेलीविजन एंड मैगजीन्स तो जो मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे टेलीविजन और मैगजीन्स का बेसिकली ब्रॉडकास्ट मीडिया है जो पूरे नेशन में हमको क्या करेगी आपका जो एड है वो डिस्प्ले करेगी दे ऑल्सो यूज न्यूज पेपर रेडियो तो न्यूज और रेडियो का भी इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। फिर आता है हमारा फाइनली इंटरनेशनल एडवरटाइजिंग इंटरनेशनल एडवरटाइजिंग जो है एम हो गए एयरलाइंस हो गए होटल्स हो गए और एक्सपोर्टर्स हो गए जो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करना चाहते हैं हमारी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री में एग्जाम्पल्स इंक्लूड एडवर्टाइजिंग बाई फिलिप्स जैसे फिलिप्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल की एडवर्टाइजिंग करता है ताज होटल्स है सुजू की मोटर्स है तो ये लोग सिर्फ हमारे कंट्री तक ही सीमित नहीं है हमारे कंट्री के बाहर भी क्या करते हैं एडवर्टाइजिंग करते हैं इंटरनेशनल एडवरटाइजर्स में यूज द सेम एडवर्टाइजिंग कैंपेन वर्ल्ड वाइड और दे में मॉडिफाइड द एड कैंपेन्स डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट ऑडियंस इन डिफरेंट कंट्रीज अच्छा इंटरनेशनल लेवल पर याद रखना जब भी बच्चों एडवरटाइजिंग की जाती है ना जो इंडिया में एड दिखाई जा रही है जरूरी नहीं है कि वही सेम एड आपकी यूएस में भी दिखाई जाएगी लोग अलग है ना दिशा अलग है जोग्राफिकली हम लोग लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं तो उसकी वजह से लोग अलग है उनकी प्रेफरेंसेस उनकी प्रायोरिटी अलग है तो वही चीज़ आप उस कंट्री में जाकर उसी तरीके से सेल नहीं कर सकते हो टारगेट ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि वो आपके ब्रांड को कैसे पॉजिव करती है उस हिसाब से आप चाहो तो इंटरनेशनल मार्केट में अपना एडवर्टाइजिंग जो है वो चेंज कर सकते हो यानी इंडिया में आप इंडिया के कल्चर ट्रेडिशन सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ऐड जो है वो डिस्प्ले कर रहे हो और इंटरनेशनल कंट्री में उनके हिसाब से उनके फैसले एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए आप वहां पर एड डिस्प्ले करते हो तो ये फर्क होता है हमारे लोकल रीजनल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग में तो बच्चों ये तो हो गया हमारा ज़ोग्राफिकल एरिया अब देखेंगे हम ऑडियंस के बेसिस पर हम अपने एड्स को कैसे बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑडियंस सबसे पहला तो है कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग डायरेक्टली जो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है हम उसके लिए एड जो है वो क्रिएट करते हैं एडवर्टाइजिंग इज डन टू क्रिएट अवेयरनेस एंड टू इंड्यूज एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स हम इसीलिए एडवर्टाइजिंग करते हैं कि हम लोगों को कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सके और उनके बाइंग डिसीशंस को क्या कर सके इंड्यूस कर सके कन्विंस कर सके दैट इज परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और सम अदर एक्शन हम चाहते हैं कि वो खरीदे या तो वो किसी के बिहाफ पर खरीदे लेकिन कुछ भी हो जाए हमारा सेल जो है वो होना चाहिए मीडिया यूज इंक्लूड टेलीविजन रेडियो मैगज़ीन, न्यूज़ पेपर्स एंड अदर्स तो यहाँ पर जो मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है जिस तरीके से भी आप पहुँच रहे हो एंड अदर्स में आपका सोशल मीडिया आ गया कंज्यूमर्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं हर कोई यूज़ करता है बिलियन्स एंड बिलियंस ऑफ़ यूजर्स है डेफ़िनेटली तो क्या होगा यहाँ पर इतने सारे यूज़र्स है तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है एग्जाम्पल्स ऑफ सच एडवर्टाइजिंग इंक्लूड कोलगेट का टूथपेस्ट हो गया डव सोप हो गया बिल डिटर्जेंट हो गया तो ये डायरेक्टली हम जो कंज्यूमर्स हैं ना उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं हम किसी बिजनेस को नहीं बेचना चाहते हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं कंज्यूमर को बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो ये होता है हमारा कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग जो कि कंज्यूमर को टारगेट करते हुए बनाया जाता है देन वी हैव इंडस्ट्रियल एडवरटाइजिंग अब इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग जो होता है बच्चों वो बी टू बी प्रोडक्ट्स के लिए होता है यानी कि मेरा जो प्रोडक्ट बनाया गया है ना ये एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल करने के लिए बना रहा है ये मेरा प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल गुड्स जैसे हो गए यानी कि आ, मेरी कंपनी है जो इंडस्ट्रियल पंप्स बनाती है अब इंडस्ट्रियल पंप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए किसी कंपनी को ही चाहिए कोई कंज्यूमर को नहीं चाहिए तो एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को जो गुड्स बेचा है बनाकर उसके इंडस्ट्री के लिए बेचा है तो वो हो जाते हैं हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स दे एडवर्टाइज टू बिजनेस पीपल यानी कि बी टू बी होता है टू परचेज द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसज सो दैट दे कैन यूज सच आइटम्स इन दर बिजनेस एक्टिविटी तो मेरे बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए अगर मुझे मशीनरी चाहिए तो मैं दूसरे ऐसी कंपनी ऐसी इंडस्ट्री से खरीदूंगी जो मशीनरी बनाती हो बिल्ड करती हो तो उनसे मैंने खरीदा तो यह हो जाता है बी टू बी यानी कि इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग एग्जाम्पल्स ऑफ सच एडवर्टाइजिंग इंक्लूड्स एमको ट्रांसफार्मर्स कई से ट्रांसफॉमर्स ये किरलॉस्कर जो इंडस्ट्रियल पम्प्स बनाते हैं तो बेसिकली मीडिया जो यहाँ पर इन, जो मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियल जर्नल्स का इस्तेमाल करते हैं हम या फिर डायरेक्टली किसी कंपनी का मेल आई डी होगा तो उस कंपनी के मेल आई डी के थ्रू हम उनको अप्रोच करते हैं तो डायरेक्ट मेल करो या इंडस्ट्रियल जर्नल्स में आपका बिजनेस कुछ एग्जिस्ट करता है तो इंडस्ट्री के जर्नल्स में ही उसको पब्लिश करो अपने एड को तो वहाँ पर जो है वो कोई भी आपको एज एन इंडस्ट्री एज अस बिजनेस कॉन्टैक्ट कर सकता है तो ये होता है इंडस्ट्रियल एडवरटाइजिंग अब आता है हमारा ट्रेड एडवरटाइजिंग ट्रेड एडवरटाइजिंग क्या होता है मैन्युफैक्चर जो कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं और जो इंडस्ट्रियल गुड्स बनाते हैं वो चाहते हैं कि जो हमारे डीलर्स हैं देखो मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेच रहा है वो क्या कर रहा है जो भी हमारे डीलर्स है ना उन डीलर्स को बोलता है कि हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज के जो भी सर्विसेज तो नहीं डेफिनेटली प्रोडक्ट का जो स्टॉक है ना आप अपने पास में जमा करके रखो तो हम यह हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है डीलर के पास हमारा स्टॉक जो है वो होना चाहिए एंड प्रमोट द प्रोडक्ट थ्रू ट्रेड एडवर्टाइजिंग द एडवर्टाज़र एक्सपेक्ट्स द रिस्पॉन्स स्टॉक एंड प्रमोट द सेल ऑफ माई प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज़र यहाँ पर क्यों ये ट्रेड एडवर्टाइजिंग जो है वो कर रहा है ताकि जो भी हमारे डीलर्स है जो हमारे बिहाफ पर कंज्यूमर्स तक पहुँचते हैं वो हमारे स्टॉक को अपने पास जमा करके रखें और ना कि सिर्फ जमा करके रखें जब भी कंज्यूमर आए तो आप मेरा प्रोडक्ट निकालो और उनको बताओ कि मेरे प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है जो उनको ख़रीदना चाहिए इससे फ़ायदा क्या होगा अगर डीलर ने आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचा है तो आप उसको कुछ कमीशन जो है वो पे कर सकते हो वो डिपेंड कर अगर डीलर कमीशन लेना चाहता है तो आपके प्रोडक्ट का प्रमोट करेगा कमीशन नहीं ले रहा है तो वो आपके प्रोडक्ट का प्रमोट नहीं करेगा देन मीडिया जो जो इंक्लूड किया जाता है है पर आप अपने ब्रोशर्स प्रोडक्ट के वो देते हो, देते हो हो ट्रेड जर्नल्स या फिर डायरेक्ट मेल करके आपके डीलर्स को अप्रोच करते हो फिर आती है आपकी प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग कौन करते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं जैसे डॉक्टर्स है लॉयर्स आर्किटेक्चर्स है प्रोफेसर्स है ये लोग एक प्रोफेशन में होते हैं प्रोफेशनल्स होते हैं तो ये लोग अपने आप की एडवर्टाइजिंग करते हैं इसीलिए इसको बोला जाता है प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग अब ये जो मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट मेल होता है अभी का जो दौर चल रहा है इसमें सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जाता है आप जब इंस्टाग्राम स्क्रोल करते हो तो कई सारे ऐसे देखोगे कि कोई डॉक्टर का एड आता है किसी डॉक्टर ने रील बनाई है जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए स्किन स्पेशलिस्ट होगा ये लोग इंस्टाग्राम पर आपको रील बनाते हुए या यूट्यूब पर अपना पूरा चैनल क्रिएट करते हुए मिलते ही आपको ताकि जब भी आप चाहें इनसे कंसल्ट करना तो आप कर सकते हैं तो ये प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग का ही हिस्सा है तो ज़्यादातर डायरेक्ट मेल का इस्तेमाल किया जाता है प्रोफेशनल जो है वो पर्सनली अप्रोच करते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को टू तो प्रिस्क्राइब और रिकमेंड द प्रोडक्ट रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोफेशनल इज रिकमेंड और प्रिस्क्राइब माई ब्रांड तो यहाँ पर जो प्रोफेशनल है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे ब्रांड को आप क्या करो रिकमेंड करो दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ़ कॉलेज यूनिवर्सिटी टेक्सबुक मेडिसिन बिल्डिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा तो इस तरीके से ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग के तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ऑडियंस के बेसिस पर हम किस तरीके से अपने एडवर्टाइजिंग को क्लासीफाई करते हैं अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये क्वेश्चन हमको बोलता है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया एंड फंक्शंस कौन से कौन से मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और उनके फंक्शन जो है एडवर्टाइजिंग के उसके बेसिस पर हमने कैसे एडवर्टाइजिंग को डिवाइड किया है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया अगर हम देखें तो हमारे पास प्रेस का ऑप्शन है हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग का ऑप्शन है आउटडोर का ऑप्शन है और अदर्स ऑप्शन भी हम देखेंगे फिर आता है हमारा फंक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है प्राइमरी और सिलेक्टिव है प्रोडक्ट और इमेज है तो ये हम जो है वो टाइप्स आगे पढ़ेंगे ना ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया इट इंक्लूड्स प्रेस मीडिया की बात करें अगर हम तो प्रेस मीडिया में क्या आता है प्रेस मीडिया के अंदर आता है हमारे न्यूज़ पेपर्स एंड मैगजीन्स बेसिकली यहाँ पर प्रिंट मीडिया की हम बात कर रहे हैं 2022 में प्रिंट मीडिया का शेयर 21 परसेंट रहा है ऑफ द टोटल एड स्पेंड इन इंडिया यानी न्यूज़ और मैगजीन में जितने भी एड्स है उस एड के ट्वेंटी जो है वो न्यूज़ मैगजीन में प्रिंट होकर आते हैं ओवर नाइन्टी ऑफ द प्रिंट एडवरटाइजिंग इज कमांडेड बाई न्यूज एंड द रिमेनिंग शेयर इज ऑफ मैगजीन यानी कि अब इस ट्वेंटी वन परसेंट में से 90% परसेंट इस ट्वेंटी परसेंट जो है वो किसको जाता है न्यूज़पेपर को जाता है और बचा हुआ जो परसेंटेज है यानी टेन परसेंट जो है वो मिलता है मैगजीन को प्रिंट एडवर्टाइजिंग कैन बी यूज फॉर फ्यूचर रेफरेंस इफ सो रिक्वायर्ड तो प्रिंट एडवरटाइजिंग जो है वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है ऑल्सो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड इन द प्रिंट एडवर्टाइजमेंट विच में नॉट बी पॉसिबल इन आउटडोर टेलीविजन एंड ऑन रेडियो प्रिंट एडवर्टाइजमेंट में क्योंकि प्रिंट होता है सालों साल तक विसके पास भी रहेगा न्यूज़ पेपर अगर रहेगा या फिर हम कई पुराना न्यूज़ पेपर ढूंढ कर भी निकाल सकते हैं कई सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपने प्रिंट में दे रखी जो आउटडोर और टेलीविजन में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर आप ज्यादा On, नहीं कर पाते हो लेकिन प्रिंट मीडिया में है और हमारे एड को इतना ज्यादा कोई सालों तक याद रखता भी नहीं है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है राइट तो इसीलिए प्रिंट मीडिया एक ऐसा मीडिया है जहां पर सालों साल इन्फॉर्मेशन जो है वो उसी फॉर्म में स्टोर रहती है नेक्स्ट आता है हमारा ब्रॉडकास्टिंग मीडिया ब्रॉडकास्टिंग मीडिया जो है इसके अंदर जो एडवर्टाइजिंग की जाती है वो होती है रेडियो और टेलीविजन के ऊपर इंडिया में टेलीविजन एडवर्टाइजिंग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है और वो नंबर वन पोजीशन पर है जब हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंडिचर की यानी खर्चों की ट्वेंटी में टी मीडिया का शेयर रहा है थर्टी ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इन इंडिया तो थर्टी शेयर जो है वो किसके पास है टेलीविजन एडवर्टाइजिंग के पास है रेडियो एडवर्टाइजिंग जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेकिन कहाँ पर रूरल एरियाज़ में क्योंकि वहां पर अगर लोग टी अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट दे हैव अ रेडियो हव इट्स शेयर वॉज टू परसेंट ऑफ़ द टोटल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इन इंडिया इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो ट्वेंटी ट्वेंटी टू में टू परसेंट शेयर जो है वो सिर्फ किसके पास है रेडियो एडवर्टाइजिंग के पास है तो प्रेस मीडिया में हमारा न्यूज़पेपर और मैगजीन आ गया और हमारे ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में रेडियो एंड टेलीविज़न आता है टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग विद इट्स वॉइस विजन म्यूजिक एंड मोशन इफेक्ट क्रिएट्स अ गुड इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द टारगेट ऑडियंस अब टेलीविजन जो है वो इतना ज़्यादा शेयर क्यों लेता है थर्टी फोर परसेंट का क्योंकि लोग जो है आप उसमें म्यूजिक ऐड कर दो आपके ऐड के अंदर जैसे कि निरमा का एड आया था तो उन्होंने एक गाना बनाया था रेखा जया और सुषमा सबकी पसंद निरमा तो ये जो ऐसा गाना अगर आप डालते हो कोई म्यूजिक डालते हो कोई मोशन इफेक्ट डालते हो तो लोगों को सालों साल तक क्या होता है वो याद भी रहता है और कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड चलता है कि हाँ भाई वाकई में निरमा जो है वो एक अच्छा प्रोडक्ट जो है वो होगा अब ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है लोगों के माइंड पे कौन से लोगों के जो हमारे टारगेट ऑडियंस है अब रेडियो जो है वो भी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है रूरल एरिया में जहाँ पर लोगों के घरों में टेलीविज़न नहीं होता है नेक्स्ट आता है हमारा आउटडोर मीडिया जिसको हम डबल ओ एच मीडिया भी बुलाते हैं आउटडोर मीडिया जो है आउट ऑफ होम होता है ये डबल ओ एच का मतलब होता है आउट ऑफ होम घर के बाहर एडवर्टाइजिंग रेफर्स टू एडवरटा आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग मैसेज और डिस्प्लेस जो कि पब्लिक स्पेसेस में होते हैं जो कि एक वाइड ऑडियंस को दिखाई देते हैं अब देखो रेडियो टेलीविजन न्यूज़पेपर मैगजीन घर में आए तो घर में हम देख रहे हैं उसको लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो बाहर हमको जो आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग देखने मिलती है जैसे कि पोस्टर्स हो गए नियॉन साइंस हो गए ट्रांजिट होते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पर अगर आपने समझ लो कोई होर्डिंग्स देख लिया है पॉइंट ऑफ परचेस एडवर्टाइजिंग होता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग कैन बी अ गुड सपोर्टिंग मीडिया टू अदर फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग ये एक ऐसा एडवर्टाइजिंग है जो दूसरे फॉर्म्स का बहुत बड़ा सपोर्ट बनता है नाउ इट इज अ गुड फॉर्म ऑफ रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग स्पेशली द पी यानी कि पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन uh, के दौरान अगर आप देखते हो जैसे कि बसेस पर होते हैं कैब्स के ऊपर डिस्प्ले किया जाता है ऑटो तो के पीछे कोई ब्रांड uh, का एडवर्टाइजमेंट जो है वो दिया हुआ है तो ये सारी चीज़ें हम हम ट्रैवल कर रहे हैं ना उस वक्त हम देख रहे हैं तो उसको ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग बोलते हैं डिजिटल साइनेज एंड होर्डिंग्स आर द मेजर फॉर्म ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग बड़े बड़े होर्डिंग्स जो है बिल जो है वो लगे होते हैं हाईवे के पास में तो हम देखते हैं वहां पर भी एडवर्टाइजिंग जो है वो अपने अपने ब्रांड्स की होती है इन ट्वेंटी आउटडोर

इट इज़ ग्रोइंग एट द रेट ऑफ फिफ़्टी परसेंट यानी कि इंटरनेट एडवर्टाइजिंग पचास परसेंट की तेज़ी से भाग रहा है ग्रोथ रेट जो इंटरनेट एडवर्टाइजिंग की रही है वो है थर्टी फाइव परसेंट एंड इट्स शेयर इन द टोटल एडवरटाइजिंग एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर यानी एडवर्टाइजिंग का जो खर्चा है उसमें उसका शेयर थर्टी एट परसेंट रहा है इन द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ियस मीडिया मिसलेनियस मीडिया जहाँ पर हम इसके अलावा दूसरी चीज़ों की बात करें तो हमारा डायरेक्ट मेल होता है हैंड बिल्स या कैलेंडर्स होते हैं डायरीज होती है सिनेमा एडवरटाइजिंग होती है तो दिस मीडिया कैन प्ले सपोर्टिंग रोल टू द मेजर मीडिया सचेस टेलीविजन एंड न्यूज पेपर तो ये जो अदर फॉर्म ऑफ मीडिया है ये टेलीविजन एडवर्टाइजिंग को और न्यूज़ पेपर एडवर्टाइजिंग को सपोर्ट करता है जो कि हमारा प्रेस मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है अमॉन्द द मिसलेनियस मीडिया सिनेमा एडवर्टाइजिंग प्लेज अ मेजर रोल सिनेमा एडवर्टाइजिंग क्या है जब हम मूवी देखने जाते हैं मूवी के शुरुआत के पहले टेन टू फिफ्टीन मिनट्स एड जो है वो प्ले होता है तो वो हो जाता है हमारा सिनेमा एडवर्टाइजिंग तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है ओके okay. तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया देख लिया अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस फंक्शंस में अगर हम देखें तो एक है डायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग डायरेक्ट एक्शन इज अंडरटेकन टू अपटेन इमीडिएट रिस्पांस और एक्शन ऑफ टारगेट ऑडियंस तो यहां पर हम सीधा सीधा डायरेक्टली क्या चाहते हैं कि हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं लोग हमें क्या करें अप्रोच करें आके हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को परचेज करें फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने डिस्काउंट सेल्स रख दिया है डिस्काउंट रखा है हम सेल्स एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं सेल प्रमोशन टूल्स यूज करते हैं फ्री गिफ्ट हो गया ऑफर्स दे रहे हैं डिस्काउंट दे रहे हैं फ्री सैम्पल्स दे रहे हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ चाहते हैं कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए आओ और हमारा प्रोडक्ट खरीदो द मीडिया यूज दिस मोस्टली न्यूज़ पेपर एंड टेलीविज़न तो न्यूज़ पेपर या टेलीविजन के थ्रू हम जो है वो अपना मैसेज कन्वे करते हैं अपना एडवर्टाइजिंग करते हैं दूसरा फॉर्म होता है इनडायरेक्ट एक्शन अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप नहीं चाहते हो कि आपके टारगेट ऑडियंस खरीदे आप चाहते हो खरीदे लेकिन इधर पे आपको किसी तरीके की कि कोई घाई नहीं होती है फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइज इनडायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग इज अंडरटेकन टू इन्फ्लुएंस द ऑडियंस टवर्ड्स एडवर्टाइजर्स ब्रांड यानी हम चाहते हैं हमारे ब्रांड की तरफ हमारे ऑडियंस इन्फ्लुएंस होकर आए एडवर्टाइजर एक्सपेक्ट्स द टारगेट ऑडियंस टू प्रेफर हिज ब्रांड एज कम्पेयर टू कम्पिटीटर्स वेन एवर अ बाइंग डिसीजन अराइज इन फ्यूचर अब यहाँ पर जो एडवर्टाइजर है अपने टारगेट ऑडियंस से एक्सपेक्ट करता है कि इन फ्यूचर कभी भी मेरे कम्पिटीटर का प्रोडक्ट भी आए तो भी आपका जो बाइंग डिसीजन होना चाहिए वो मेरे प्रोडक्ट रिलेटेड ही होना चाहिए तो इनडायरेक्ट एक्शन डायरेक्टली यहां पर एडवर्टाइजिंग नहीं हो रहा है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझ लो किसी भी ब्लॉगर ने अगर खरीदा है आपके प्रोडक्ट को खरीदा है ठीक है खरीदा है आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज आप अपनी स्टोरी पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो डाल दीजिए तो अब ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं क्या करते हैं या ब्लॉगर्स क्या करते हैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं सर्विसेज के बारे में क्या करते हैं अगर उन्हें पसंद आती है तो डेफिनेटली अपनी स्टोरी पर डालते तो इनके जो ऑडियंस होती है जो एंगेज ऑडियंस इन ब्लॉगर्स ने बनाई है वो भी आपके साथ क्या होती है कनेक्ट होती है देखो आपने डायरेक्टली जाकर एडवर्टाइजिंग नहीं किया आपने बस एक रिक्वेस्ट की अपने ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर को कि आप हमारे प्रोडक्ट की स्टोरी आप जब यूज़ करोगे तो डाल देना तो ये इंडायरेक्ट तरीका होता है कि आप चाहते हो टारगेट ऑडियंस हमारे पास वापस आ जाए तो यूजुअली यंगस्टर्स को प्रमोट करता है तो इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग so फिर आता है प्राइमरी एडवर्टाइजिंग एंड सिलेक्टिव एडवर्टाइजिंग प्राइमरी एडवर्टाइजिंग को प्राइमरी डिमांड एडवर्टाइजिंग बोला जाता है बिकॉज वो फोकस करता है डिमांड क्रिएट करने पे एक एंटायर प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए या फिर इंडस्ट्री रैदर देन प्रोमोटिंग अ स्पेसिफिक ब्रांड और प्रोडक्ट आपको एक स्पेसिफिक ब्रांड या स्पेसिफिक प्रोडक्ट को नहीं चाहते हो प्रमोट करना जितनी भी प्रोडक्ट कैटेगरी है आप सबको प्रमोट कर रहे हो अब यहाँ पर आपका एम होता है कि आप कंज्यूमर को जो है एजुकेट करना चाहते हो उनको बेनिफिट समझाना चाहते हो और वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी समझाना चाहते हो जिससे कि उनके अंदर इंटरेस्ट और डिज़ायर क्रिएट हो ताकि वो जनरल पब्लिक जो है वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे उ इट इज अंडरटेकन बाई ट्रेड एसोसिएशन और बाई कोऑपरेटिव ग्रुप्स अब जो ट्रेड एसोसिएशन होती है ना वो इस प्रोडक्ट को क्या कर रही है ट्रेड एसोसिएशन जो है वो इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहती है इट इज अंडरटेकन टू क्रिएट जनरिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जैसे कि ट्रेड एसोसिएशन में कॉफी बोर्ड है जो कि इस कॉफी के प्रोडक्ट कॉफी जैसे प्रोडक्ट को क्या करती है प्रमोट करती है उसका एडवर्टाइजमेंट करती है जिसने कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो कॉफी खरीदे तो एक ट्रेड एसोसिएशन है या इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है जिसने क्या किया कॉफी को प्रमोट किया अब जरूरी नहीं है कि आपको यह बोला जाए कि आप नेस्ट कैफे की ही कॉफी लो अगर आपको वो ब्रांड नहीं पसंद है तो आप सनराइज की कॉफी भी ले सकते ओके सेलेक्टिव एडवर्टाइजिंग क्या होता है प्राइमरी एडवर्टाइजिंग हमको बताता है कि एक ट्रेड एसोसिएशन ने पूरी की पूरी प्रोडक्ट कैटेगरी को क्या किया है पूरी के पूरी प्रोडक्ट कैटेगरी को एडवर्टाइज़ किया है अब यहाँ पर सिलेक्टिव में क्या होता है सिलेक्टिव डिमांड क्रिएट करना चाहते हो आप क्योंकि आप एक स्पेसिफिक ब्रांड या एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हो अब यहाँ पर आपका एम होता है कि कैसे आप कॉम्पिटिटर से अलग हो ये अपने कंज्यूमर को बताना चाहते हो अपने टारगेट ऑडियंस को बताना चाहते हो क्या बताना चाहते हो कि मेरे कम्पटीटर का ब्रांड है और मेरा ब्रांड है तो वो और मैं ज़मीन आसमान का फ़र्क है तो जब भी आपको ख़रीदना होगा आप मुझसे खरीद खरीदीजिए मेरे कम्पिटीटर से ना खरीदें इट इज अंडरटेकन बाई मार्केटर्स ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स तो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स उनके मार्केटर्स सिलेक्टिव एडवर्टाइजिंग करते हैं एक पर्टिकुलर ब्रांड या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए सिलेक्टिव एडवर्टाइजिंग एम्फोसाइजेज द यूनिक फीचर्स बेनिफिट्स एट्रीब्यूट ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट तो यहाँ पर आप जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर रहे हो यहाँ पर आप चाहते हो कि आप लोगों तक उनके फीचर्स पहुंचाओ क्या ऐसी खास बात है यूनिक फीचर्स क्या है बेनिफिट यानी कि कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होने वाला है उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में स्पेसिफिक प्रोडक्ट के समझा रहे हो जिससे कि आपको प्रेफरेंस मिलेगी कि मुझे प्रेफरेंस क्यों मिलेगी अच्छा कम का एड देखो वो आपको क्या बताता है ठीक है इसने अपने एड में ना ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर के लिए जरूरी है मैं अपने एडवर्टाइजिंग में अपने ब्रांड के एडवर्टाइजिंग में वो फीचर्स वो बेनिफिट्स जो है वो कंज्यूमर को दूंगी Advertiser इंटेंस टू क्रिएट सिलेक्टिव डिमांड फॉर his ब्रांड एग्जाम्पल टाटा टी ने तो एडवर्टाइजर यहाँ पर क्या चाहता है सिलेक्टिव डिमांड जो है अपने ब्रांड के लिए क्रिएट कर रहा है जैसे टाटा टी का एड हो गया तो so, टाटा अपने पूरे के पूरे प्रोडक्ट कैटेगरी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाटा टी की बात कर रहा है उसी तरीके से नेस्कैफे है जो सिर्फ अपनी कॉफी की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो इस तरीके से सिलेक्टिव एडवर्टाइजिंग एक स्पेसिफिक ब्रांड या प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए होती है हालांकि प्राइमरी एडवर्टाइजिंग जो है वो ट्रेड एसोसिएशन से रिलेटेड होती है जो कि पूरी की पूरी प्रोडक्ट कैटेगरी को क्या कर रहे हैं एडवर्टाइज कर रहे हैं ओके नेक्स्ट दैट वी हैव इज प्रोडक्ट एंड इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग क्या होता है जहाँ पर हम प्रमोशन कर रहे हैं मार्केटिंग कर रहे हैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस का अपने टारगेट ऑडियंस के लिए अब इसका ये फोकस किसके ऊपर करता है फीचर्स को हाईलाइट करता है बेनिफिट बताता है यूनिक सेलिंग पॉइंट या यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन बताता है कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है ऑफ दी प्रोडक्ट टू जनरेट अवेयरनेस इंटरेस्ट एंड अल्टीमेटली ड्राइव सेल्स तो जहाँ पर हम अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाहते हैं इंटरेस्ट भी लाना चाहते हैं और हम सेल्स भी लाना चाहते हैं अपने उस प्रोडक्ट के लिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक अच्छा कैंपेन का एग्जाम्पल मैंने लिखा है जैसे कि रेड बुल रेड बुल गिव्स यू विंग्स क्या सीरियसली हमको विंग्स आ जाते हैं रेड बुल पीने के बाद डेफिनेटली नहीं आते हैं लेकिन रेड बुल गिव्स यू विंग्स जो है एक ऐसा कैंपेन है जो रेड बुल ने गिव्स यू विंग्स कैंपेन पोजिशन देर एनर्जी ड्रिंक एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वाइटलिटी एंड एनहैस्ड परफॉर्मेंस तो कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जो रेड बुल पीकल ऐसा समझते कि अरे हम बहुत ज्यादा फ्रेश हो गए तो रेड बुल यानी कि यहाँ पर सीरियसली आपको कोई पंख नहीं दे रहा है लेकिन ये बता रहा है आपको कि हमारा जो रेड बुल है एक ऐसा ड्रिंक है इसको हमने नाम दे दिया एनर्जी ड्रिंक का तो ये आपके लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जब भी डाउन फील करो जब भी अच्छा नहीं लग रहा है रेडबुल पी लो एकदम रिफ्रेश हो जाओगे वाइटलिटी उसकी इंपॉर्टेंस समझाते हुए और कैसे आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है रेडबुल कैंपेन फीचर्स एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एथलीट्स परफॉर्मिंग डेरिंग फीट्स एम्फरसाइजिंग द एनर्जी बूस्टिंग इफेक्ट्स ऑफ रेडबुल इट एसोसिएट्स द प्रोडक्ट विद एन एक्टिव एंड एडवेंचरस लाइफ टू तो यहाँ पर जो हमारी यूथ को सबसे ज़्यादा पसंद आता है एडवेंचरस लाइफ होनी चाहिए हमारी तो रेडबुल बस उसी चीज़ को क्या कर रहा है प्रमोट कर रहा है नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे एप्पल का शॉट ऑन आईफोन फोन तो उन्होंने कैमरा एक ऐसा फीचर ले आते हैं ऐसा कैंपेन लेकर आए शॉट ऑन आईफोन यानी कि आईफोन से क्लिक किया गया है तो ये जो कैंपेन है एप्पल का शॉट ऑन आईफोन कैंपेन इसने बताया कैमरा कैपेबिलिटी हमारे आईफोन की कैमरा कैपेबिलिटी जो है वो कितनी अच्छी है किसी भी आईफोन डिवाइस की द कैम्पेन फीचर्स टर्निंग फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज कैप्चर्ड बाई आईफोन यूजर्स हाईलाइटिंग द क्वालिटी एंड वर्सिटैलिटी ऑफ कैमरा तो यहाँ पर हम कैमरा की क्वालिटी और उसकी वर्सिटैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं इट एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एप्पल्स प्रोडक्ट कैन डिलीवर प्रोफेशनल ग्रेट फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी एक्सपीरियंसेस तो यहाँ पर हमने क्या प्रमोट करने की कोशिश की कि एप्पल के प्रोडक्ट अब अगर आप ख़रीदते हो जैसे आईफोन ले रहे हो जैसे फ़ोटो क्लिक कर रहे हो तो जो एक कैमरा से फ़ोटो क्लिक किया जा सकता है बस उतने ही वैसे ही हम क्या कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को फीचर करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को ऐसे दर्शाना या बताना चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट भी वैसे ही काम करता है जैसे कि एक प्रोफेशनल कैमरा जो है वो काम कर रहा है इसलिए उन्होंने शॉट टन आईफोन का कैंपेन जो है वो चलाया था तो देखो इस तरीके से वो लोग क्या कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करते हैं Okay, next uh, uh, type we have is institutional advertising. इंस्टीट्यूशनल एवर्टाइजिंग इज ऑल्सो नोन एज कॉरपोरेट एडवर्टाइजिंग एक ऐसा टाइप एडवर्टाइजिंग का जो कि फोकस करता है प्रमोटिंग द ओवरऑल इमेज रेप्यूटेशन एंड वैल्यूज ऑफ अ कंपनी तो बेसिकली इसको हम बुला सकते हैं कॉरपोरेट एडवर्टाइजिंग पूरे के पूरे आखिर कॉरपोरेट को क्या कर रहा है एडवर्टाइज़ कर रहा है हम लोग यहाँ पर अपनी ओवरऑल इमेज यानी कि अपनी इमेज की अपने रेप्यूटेशन की हमारे कंपनी के वैल्यूज़ क्या है और ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज तो हम सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट नहीं करते हैं हम पूरे के पूरे कॉरपोरेट को प्रमोट कर रहे हैं इट एम्स टू क्रिएट अ फेवरेबल परसेप्शन ऑफ़ द कंपनी। अब ये पूरी जो है ना उसकी इमेज जो है वो अच्छी बनाना चाहता है लोगों के माइंड में कौन से लोग जो हमारे पॉजिटिव रेपेशन जो है वो क्या करना चाहता है टारगेट ऑडियंस के सामने बिल्ड करना चाहता है आइए इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग को हम समझेंगे जस्ट डू इट अब नाइकी का लॉन्ग रनिंग जस्ट डूइ कैंपेन जो है वो प्राइम एग्जाम्पल है इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग का क्योंकि ये कैंपेन किसके ऊपर फोकस करता है ये कैंपेन फोकस करता है इंडिविजुअल्स को इंस्पायर करते हुए ताकि हम अपने ड्रीम्स को जो है वो अचीव कर सके अपनी जितनी भी लिमिट है उस लिमिट को क्या कर सके हमको कई बार लगता है ना नहीं हम थक गए तो बस लिमिटलेस काम आप करते रहो एफर्ट्स दिखाते रहो और अपने लाइफ के हर एक चैलेंज को आप क्या करो ओवरकम करो तो कहीं ना कहीं ये एक इंस्पिरेशनल मैसेज जो है वो जस्ट इट के ज़रिए दे रहा है इट कन्वेज़ द ब्रांड्स कोर वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेशन अब इसने सिर्फ नाइकी के शूज से रिलेटेड बात नहीं किए नाइकी के कई सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं लेकिन यहाँ पर हम कॉरपोरेट इमेज की बात करें तो ये क्या बताना चाहता है कि हमारे ब्रांड की कोर वैल्यू क्या है डिटर्मिनेशन दृढ़ता द्रड़, हम जिसको बोलते हैं निश्चय कर लिया तो कर लिया रेजिलियंस चाहते हैं एथलेटिक एक्सीलेंस हम चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं अपने कंज्यूमर के साथ में जहाँ पर एस्टैब्लिशिंग नाइकी एज ए लीडिंग स्पोर्ट्स एंड लाइफ ब्रांड तो नाइकी जो है वो अपने आप को कैसे दर्शाना चाहता है कि हम एक लीडिंग लाइफ ब्रांड है और उसी के साथ साथ एक स्पोर्ट्स का भी ब्रांड है तो स्पोर्ट्स और लाइफ जो है वो हम बनाते हैं लोगों के लिए इस तरीके से नाइकी ने अपने आप को एक ब्रांड एक कॉरपोरेट ब्रांड होते हुए अपने आप को दर्शाया है यहाँ पर सिर्फ हमने शूज के कैटेगरी की बात नहीं की जर्सी के कैटेगरी की बात नहीं की हमने ओवरऑल हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए अपने कॉर्पोरेट इमेज को बिल्ड किया है तो यह होता है इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एयर का जो कि हमको बोलता है बिलोंग एनी बिलोंग यानी वेयर कैंपेन जहाँ पर एयर बी एन करता है इस कैंपेन के जरिए इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग करते हुए एक इनिशिएटिव लेते हुए हमको समझाता है कि ब्रांड का कमिटमेंट किसकी तरफ है लोगों की तरफ है ताकि हम लोगों को जोड़ सकें और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है उस तरीके का फीचर हम लोगों को दे सके The campaign features ads showcasing people from various cultures and backgrounds sharing their travel experiences and building connection through Airbnb platform. तो so Airbnb के प्लेटफार्म के जरिए लोग अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो कई बार कुछ लोग होमसिक हो जाते हैं, घर की याद आती है। लेकिन वो ऐसा ट्रैवल एक्सपीरियंस आपको देता है जहाँ पर आपको वो होमसिक वाली फीलिंग ना आए। इट पोजिशन आर बी एन बी एज़ अ फैसिलिटेटर ऑफ यूनिक एंड पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसिस दैट गो बियॉन्ड ट्रेडिशनल अकोमोडेशन तो बेसिकली एर बी एन बी आपको अकोमोडेशन का काम जो है वो आप, आपके बिहाफ़ पर करता है कि आपके लिए एक होटल जो है वो बुक कर लिया अब आप जाओ वहाँ पर रहो तो अगर किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास समझ लो बंगलो है बंगलो है लेकिन वो बंगलो में आप रहते नहीं हो आपने बंगलो बना तो दिया लेकिन आप वहाँ रह नहीं रहे हो आप अपनी उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर दोगे एयर बी एन बी पे ठीक है अब मैं ऐसे इंसान हूँ जिसे ट्रैवल करने का बहुत शौक़ है लेकिन रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो मुझे ट्रैवल करना है तो मैंने एयर बी एन बी के ज़रिए आपके उस बंगलो को बुक किया अलॉन्ग मे बी अलोन और मे बी विथ माई फैमिली और मे बी विथ माई फ्रेंड्स तो जब मैंने बुक कर लिया तो मैं उनके साथ जाकर आपके उस बंगले पर एयर बी एन बी को जो पैसा है जो चार्जेस है वो दे रही हूँ और रह रही हूँ तो वो जो है मुझे एकदम ऐसी फ़ीलिंग देता है जहाँ पर मुझे एकदम अपने घर जैसा फ़ील हो रहा हो तो ये जो पर्सनल ट्रैवलर एक्सपीरियंस है ना मेरा वो ट्रेडिशनल अकोमोडेशन को क्या करता है वो ट्रेडिशनल अकोमोडेशन को ओवरकम कर लेता है जो मेरा पर्सनल ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो तो, तो दैट इज़ हाउ एयर जो है वो बिलोंग एनी जैसे कैंपेन को चलाता है अगेन एयर अपने इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग के बारे में यहाँ बात कर रहा है ओके सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आर चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग नाउ वी हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डू सो क्विकली हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं तो यहाँ पर हमको ट्रू एंड फॉल्स दिया है जहाँ पर पहला क्वेश्चन हमको बोलता है एडवर्टाइजिंग इज अनपेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन देखो नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन तो उसने एकदम सही लिखा है पर्सनली हम कुछ नहीं ले रहे हम किसी आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं लेकिन ये जो टर्म है ना अनपेड विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग एडवर्टाइजिंग के पैसे लगते हैं भाई तो दी आंसर इज फॉल्स एडवर्टाइजिंग ऑफ आइडियाज इज़ नॉट रेलिवेंट इन टू डेज एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड बिल्कुल नहीं एडवरटाइजिंग का डेफिनेशन बोलता है गुड सर्विसेज एंड आइडियाज़ को प्रमोट करता है तो दिस इज फॉल्स एडवर्टाइजिंग डज नॉट रिक्वायर क्रिएटिविटी ऑफकोर्स क्रिएटिविटी की जरूरत है विदाउट क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट हाउ आर यू गोइंग टू इंड्यूज योर ऑडियंस तो दिस इज अगेन फॉल्स एडवर्टाइजिंग इज एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स तो सॉरी प्रोडक्ट मिक्स प्रोडक्ट मिक्स का ये नहीं है प्रमोशन मिक्स का है तो दिस इज फॉल्स अगेन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी आर सिनोनिमस यानी कि एक दूसरे के लिए जैसे सिनॉनिमस का मतलब होता है मीनिंग एडवर्टाइजिंग का मीनिंग पब्लिसिटी है तो so, नो no, हमने एक लेक्चर किया था जिसमें हमने देखा है एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी जो है वो दोनों ही कंप्लीटली अलग कॉन्सेप्ट है हालांकि दोनों एडवांटेजेस सेम लाते हैं कंपनी के लिए लेकिन कन्सेप्ट अलग है एडवर्टाइजिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं एडवर्टाइजिंग को यूनिवर्सली एप्लीकेशन दिया गया है चाहे एन हो चाहे कॉलेज हो हर कोई एडवर्टाइजिंग कर सकता है तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती है दिस इज़ फॉल्स एडवर्टाइजिंग ऑन टी वी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉल्स टी वी के ऊपर एडवर्टाइजिंग ओल्डेस्ट नहीं है न्यूज़ पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज टेलीविजन चैनल्स हैव द हाइस्ट चैनल शेयर इन इंडिया क्या इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज में जो एडवर्टाइजिंग होता है या इंग्लिश चैनल्स पर एडवर्टाइजिंग होता है सबसे ज्यादा है वो बिल्कुल नहीं फॉल्स पब्लिसिटी डज नॉट क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ द ऑडियंस पब्लिसिटी जो है ऑडियंस के माइंड में कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं करती है दैट इज फॉल्स अगेन कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग इज डायरेक्टेड टवर्ड्स द इंडस्ट्रियल बायर्स नहीं इंडस्ट्रियल बायर्स नहीं यहाँ पर कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग हमने अभी अभी पढ़ा है कंज्यूमर के ऊपर फोकस करती है दिस तो, तो इज फॉल्स देन वी हैव प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग जो कि इन्फ्लुएंस करती है प्रोफेशनल ट्रेडर्स को दैट इज़ फॉल्स अगेन हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं हम अपने जो प्रोफेशन है उसको क्या कर रहे हैं उसको एडवर्टाइजिंग जो है हम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इन्फ्लुएंस उनको नहीं करते हैं दैट इज़ फॉल्स अगेन रिटेंटिव एडवर्टाइजिंग इज अंडर टू रिमाइंड कस्टमर्स ऑफ कंपनी प्रोडक्ट रिटेंटिव एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है रिटेंट यानी कि याददाश्त जो है उनकी रहे इस चीज से रिलेटेड आप मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानते हो आपको हम एक रिमाइंडर दे रहे हैं हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विस एग्जिस्ट करता है विच इज ट्रू नाव डेज एडवर्टाइजर्स नीड टू क्रिएट टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस दैट इज ट्रू प्राइमरी एडवर्टाइजिंग को जनरिक एडवर्टाइजिंग भी बोला जाता है ट्रू एडवर्टाइजिंग जो है प्रमोट करता है आइडियाज को गुड्स एंड सर्विस को दैट इज राइट आई एम सी जो है एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है डेफिनेटली हमने पढ़ा था वो एक प्रोसेस है एक टाइम के बाद उसको रुकाया नहीं जा सकता कंटिन्यूसली आपको मार्केटिंग मिक्स का यूज करते हुए एडवर्टाइजिंग करना है आई एम सी इन्फ्लुंस डाइवर्स ग्रुप येस दैट इज ट्रू अगेन मार्केटर्स अंडरटेक आई एम सी टू डेवलप ब्रांड इमेज मार्केटर्स क्या करते हैं आई एम सी का इस्तेमाल करते हैं ताकि ब्रांड इमेज को इंप्रूव कर सके हर तरीके से विच इज करेक्ट लोकल एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो नोन एज रिटेल एडवर्टाइजिंग अगेन दैट इज ट्रू क्योंकि हम एक लोकल लेवल पर कर रहे हैं तो रिटेल एडवर्टाइजिंग जो है होता है इज बाय फ्रॉम स्टोर जो कि प्रमोट करता है इसको द रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड अंडर नेशनल एडवर्टाइजिंग इज बाय माय ब्रांड तो रिस्पॉन्स क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मेरा जो ब्रांड है उसको खरीदो सो दैट इज अगेन ट्रू ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट थिंग दैट इज आर फिल इन द ब्लैक्स नो डैश रेफर्स टू पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन हमने इतना पढ़ा है एडवर्टाइजिंग के बारे में कि उसका डेफिनेशन ही हमको याद हो गया है सो so, क्या है वो पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर आंसर इज एडवर्टाइजिंग नाउ द वर्ड एडवर्टाइजिंग कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड कहाँ से आया एडवर्टी से मैंने कहा था ना याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा एडवर्टाइजिंग इज एन एलिमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट है आइडिया एडवर्टाइजिंग इंक्लूड्स आइडिया एडवर्टाइजिंग में क्या आएगा बैंक प्रमोशन तो नहीं आएगा होटल सर्विस नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों सर्विस को बिलोंग करते हैं एंटी ड्रग्स जो है हमने ऐसा एड बनाया जो कि एंटी ड्रग्स को प्रमोट कर रहा है कि ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो एंटी ड्रग कैंपेन चलाते हैं आइडिया एडवर्टाइजिंग then we have dash brought out the first ever printed ad in the form of handbill तो so handbill का जो introduction था वो किसने किया था william caxton ने किया था in the year 1477 अगेन मैंने बोला था objective questions के लिए पूछ सकते हैं then dash is the first newspaper in India Bengal Gazette सबसे पहला newspaper आया है हमारी country में फर्स्ट रेडियो एड इन यू एस ए वॉज एड इन नाइनटीन ट्वेंटी वन तो पहला एड जो यू एस ए में आया था नाइनटीन ट्वेंटी वन में वो है क्विंस कॉरपोरेशन का याद है एक प्रॉपर्टी थी हाउथ्रोन की उस प्रॉपर्टी के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया गया था ए एस सी आई स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि सेटअप किया गया है इन द ईयर नाइनटीन एटी फाइव डैश फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग अपियर इन द प्री प्रिंटिंग पीरियड प्री प्रिंटिंग बस प्री प्रिंट होने के पहले ही तो प्रिंटिंग के पहले रेडियो और टेलीविजन तो नहीं था टाउन क्रायर्स थे वो जो जोकर होते थे जो जाते थे आपके ब्रांड के बारे में बाजारों में जाकर प्रमोशन क्रिया किया करते थे दो डैश इज द ओल्डेस्ट एड एजेंसी इन इंडिया बी दत्ताराम एंड कंपनी ये हमारे इंडिया में सबसे पुरानी एड एजेंसी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज

थ्रू न्यूज एंड आर्टिकल्स इन द मीडिया तो वो है हमारा पब्लिसिटी डैश इन्वॉल्व फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन द फॉर्म रिप्रेजेंटेटिव एंड द प्रोस्पेक्टिव बायर रिप्रेजेंटेटिव यानी सेल्स पर्सन और बायर सेल्स और बायर पर्सनल सेलिंग होगा डैश एडवर्टाइजिंग इज अंडरटेकन टू ऑपटेन इमीजिएट रिस्पॉन्स ऑफ द टारगेट ऑडियंस टारगेट ऑडियंस का इमीजिएट रिस्पॉन्स डायरेक्ट एक्शन की वजह से ही होगा डायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग फॉर्म में

ओके सो विद दिस बच्चो वी हैव कम्पलीटेड आर चैप्टर वन अलॉन्ग विद ऑल द क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिए है और आज हमने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो भी कम्प्लीट कर लिया है मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो कि हमारा चैप्टर टू है तो इसी सीरीज में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ में सो टिल देन स्टेट यून टू अर चैनल थैंक यू वेरी मच